तो दोस्तों कभी कभी इतने बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं ना, इतनी बेसिक सेटिंग्स पूछते हैं लोग जो मैं क्या ही बोलूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे ए टू जेड सेटिंग्स आपको प्रोवाइड करूँ। अगर आप बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स पे ढूंढना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाए। तो आज का जो वीडियो है मेरे इसी पे है कि आईएसओ को हम ऑटो मैनुअल कैसे करें। कई बार होते हैं कि ये सेटिंग्स भी नहीं होती है। सबसे पहले मैं आपको कैमरे के अंदर से बताता हूँ कि आपको कहाँ जाना है ऑटो और मैनुअल करने के लिए आईएसओ को। तो आपको सेटिंग्स फ़ोटो शूटिंग में मिल जाएगा, बट आपको देखना है कि आपका जो सेटिंग्स है कहाँ से है। अगर आप अपने कैमरे के अंदर से सेटिंग्स कर रहे हो तो बाहर अगर ऑटो मैनुअल कर रखा है आपने तो वो मैनुअली नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको ऑन किया है, बट चलिए छोड़िए, मैं आपको बाद में बताता हूँ ये चीज़। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अंदर से मैंने सेटिंग क्या कर रखी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्क कैसे पड़ेगा अगर मैं सेटिंग से अगर मैं आईएसओ को ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये बता दिया था कि आप ऑन कैसे करेंगे, और अगर मैं इसको ऑन को ऑफ़ कर देता हूँ क्या बाहर जो आईएसओ ऑटो पे लगा वो हट जाएगा, नहीं हटेगा। देखिए अभी भी जो आईएसओ है वो ऑटोमेटिक अप एंड डाउन हो रहा है। तो मतलब ये है कि अगर आप अंदर से अगर आप आईएसओ ऑटो ऑन ऑफ़ करते हैं तो वर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप बाहर से आप इसको ऑन ऑफ़ नहीं करेंगे। सिंपली आपको करना क्या होगा, आईएसओ बटन को आपको होल्ड करना है और कैमरे में जो अपर्चर रिंग होता है जिससे आप अपर्चर वैल्यू को आप चेंज करते हो उसको एक बार आगे या पीछे कर देना। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक बार होल्ड करना है। आईएसओ बटन को होल्ड कीजिए और जस्ट अपर्चर डायल को एक बार आगे या पीछे कर दीजिए। इसे होगा क्या कि आपका जो आईएसओ ऑटो मोड पे लगा हुआ था वो मैनुअल में स्विच हो जाएगा। मतलब है कि अब आप अपने आईएसओ को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आईएसओ कंट्रोल नहीं होगा। कई बार होते हैं फोटोग्राफर्स फोटो शूट करते करते वो मैन्युअली लग जाता है, कई बार पता ही नहीं चलता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आईएसओ बटन को होल्ड करना है और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार आगे या एक बार पीछे कर दीजिए। ठीक है, आपका मन करे आगे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस तरह से आप आईएसओ को ऑटो मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब आईएसओ ऑटो से मैनुअल हो गया, मैनुअली यूज़ कैसे करना है तो जस्ट आईएसओ बटन को आपको होल्ड करके रखना है और सब डायल जिस बटन से आप शटर स्पीड वैल्यू को कम और ज़्यादा करते हो होल्ड करके आपको आगे और पीछे करना है, आप आईएसओ को कंट्रोल कर सकते हो। और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।